नमस्कार दर्शकों, स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका, कैमरामैन राजकुमार के साथ। तो आज हम आए हैं सूरज स्ट्रीट रेस्टोरेंट पे, जो कि डांग कॉली में स्थित है। तो दिवाली जो है बहुत ही नज़दीक है, 3-4 दिन ही रह गए हैं। तो आज हम देखेंगे सूरज स्ट्रीट में कि दिवाली के अवसर पर किस तरह से इन्होंने तैयारियाँ की हैं, क्या क्या इस बार नया लेके आए हैं, और कोरोना से बचने के लिए क्या क्या किया है इन्होंने, और जो सरकार के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि जो स्वीट्स हैं उनकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चर डेट होनी चाहिए, उसका किस तरह से जो है ये पालन कर रहे हैं। आइए हम ले चलते हैं आपको सूरज स्वीट के अंदर और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से इन्होंने दिवाली पे तैयारियां कर रखी हैं। तो दर्शकों, आप यहाँ से सूरज स्वीट अंदर शॉप का पूरा व्यू देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में, और मिठाइयों को देख के तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। आई होप कि आपके मुंह में भी आ रहा होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे कि जो पूरी ट्रेस जो है वो सारी भरी हुई है मिठाइयों से, और यहाँ पे देखिए आपने बेस्ट बिफोर 2 डेज, मतलब सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि ये 2 दिनों तक चलेंगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो मिठाइयाँ रखी हुई हैं वो भी आप देख सकते हैं, इन्होंने सरकार के द्वारा गाइडलाइंस के अनुसार इन्होंने पूरा बताया हुआ है कि 2 दिनों तक ये चलेंगी। आगे आप यहाँ पे आ जाइए, जो केक वगैरह हैं, पेस्ट्रीज हैं, वो भी 2 दिनों तक जो हैं कूल एंड ड्राई प्लेस पे जो हैं 2 दिनों तक रह सकती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं पैक करके रखे हुए हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है ये प्लेट्स, ट्रे जो हैं बहुत ही सुंदर लग रही हैं देखने में। मिठाइयों के साथ साथ जो है ड्राई फ्रूट्स भी आपको यहाँ पे लेने को मिल सकते हैं, आप यहाँ पे आके ले सकते हैं। केक चाहिए हो, पेस्ट्री चाहिए हो, चॉकलेट्स, मतलब हर प्रकार की जो मिठाई है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ आइए थोड़ा, आप इस तरफ देख सकते हैं इन्होंने चॉकलेट्स जो हैं डिब्बों में पैक की हुई हैं, बहुत ही सुंदर लग रही हैं देखने में, बच्चे जो हैं बहुत ही पसंद करते हैं चॉकलेट्स। यहाँ पे देखिए आपने, यहाँ पे चॉकलेट्स जो हैं पैक करी हुई हैं, हैप्पी बर्थडे है स्ट्रीट ब्रदर, वेलकम, थैंक यू, फ्रेंडशिप फॉर एवर, स्माइल जस्ट फॉर यू, हैप्पी एनिवर्सरी का भी है, आई लव यू का भी है, देख सकते हैं आप बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ये देखिए आप यहाँ पे बहुत सुंदर लग रही है, ये भी चॉकलेट्स जो हैं बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने डेकोरेट की हुई हैं। तो आप जो हैं जब मर्जी यहाँ पे आके ले सकते हैं। आपने देख ही ली तैयारियाँ किस तरह से है दिवाली पे। तो हम यहाँ पे जो सूरज स्वीट के ऑनर हैं, हम उनसे थोड़ा सा बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने दिवाली पे जो है तैयारियाँ की हुई हैं, और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस का किस तरह से वो पालन कर रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित हैं सूरज स्वीट के ऑनर, तो हम इनसे जानेंगे कि इस बार दिवाली पे किस तरह से ये तैयारियां कर रहे हैं और कितनी तैयारियां हो चुकी हैं। अरे, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ सूरज स्वीट एंड रेस्टोरेंट पे। धन्यवाद सर, मुझे चैनल का। और तैयारियां तो इस बार ऐसे ही, कोरोना काल में थोड़ा सा फर्क तो सबको पड़ा ही है। इस वक्त हमारी जो 6 शॉप है, 6 में से 2 तो बंद पड़ी हुई हैं, और जो हम स्पेशल दिवाली पे स्टॉल लगाते थे, इस बार वो स्टॉल भी नहीं लगा रहे हैं। और बाकी इन्हीं दुकानों के अंदर हमने, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है कि आपने इसमें सारा कुछ लिख के लगाना, कब तैयार हुई है, कब तक चलेगी, इसलिए उस हिसाब से ही हम लोग ये काम कर रहे हैं। और एक हमारी ये जो रेस्टोरेंट सूरज स्वीट है, बड़ी शॉप है जहाँ पे अभी आप खड़े हैं, एक मेन बाज़ार में माल रोड में है जो, और एक भोटा चौक पर है, एक जो बस स्टैंड वाली शिफ्ट हुई पीछे मार्केट न्यू कम्प्लेक्स में, हमारी पल्ली तरफ से बाज़ार की उस तरफ नीचे कॉर्नर पर दुकान है। ये 4 ही शॉप हैं, इसके अलावा हमारी कोई चीज़ें मतलब शॉप नहीं है, और बाकी बंद हैं दुकानें इस टाइम कोरोना की वजह से। और जो हमारे कस्टमर हैं उनको हमारी अपील है कि वो मतलब सामान अपने हिसाब से उतना लें, क्योंकि कोई सामान एक दिन चलने वाला है, कुछ 2 दिन चलने वाला है, कुछ इस बार हमने ड्राई फ्रूट की आइटम थोड़ी ज़्यादा बनाई है क्योंकि वो कुछ टाइम ज़्यादा चल जाती है। तो आप बाकी कस्टमर के लिए हमने पूरा सब इंतजाम किया हुआ है, बनाया जो सामान बना रहे हैं, अब डे एंड नाइट 2 दिन चलेगा, 3 दिन जितना भी जैसे जैसे काम होगा। तो सर, मिठाइयाँ क्या क्या हैं? मिठाइयाँ तो वो जो सारी हम बनाते हैं रूटीन में, वही मिठाइयाँ हैं। एक्स्ट्रा तो कुछ ड्राई फ्रूट की आइटम है, जैसे काजू कतली ज़्यादा लगती है, काजू कतली ज़्यादा बनाई हुई है,
जो चीज़ हर बार थोड़ी कम हो जाती है, लास्ट में ख़त्म ही हो जाती है, उसको थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे इस बार। तो सर इस बार जो है आपको क्या उम्मीद लगती है कि पिछली बार की तरह, पिछली बार तो काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, बट इस बार क्या उम्मीद है आपको कि कितना आपका काम चलेगा? इस बार तो काम अब इतना ज़्यादा नहीं लग रहा जितना होता है, उससे तो चलो ये 55-50% ही होगा, और इतना ही हमारे को उम्मीद है कितने काम होगा। अभी भी ऐसा माहौल नहीं लग रहा है। करवा चौथ पे तो ठीक हो गया था काम, अब इस वक्त नहीं पता चल पा रहा कुछ, मार्केट का नहीं बोला जा सकता कुछ, ऐसे ही है। तो कोरोना की वजह से थोड़ा लोग भी डरे हुए हैं। तो कोरोना को लेकर क्या तैयारियां की हैं आपने? कोरोना के हमने तो पहले स्टार्टिंग से ही हमारी तैयारी ऐसी रहती है, हमारा कोई भी जितने हमारे वर्कर हैं किसी कोई भी मिठाई को टच नहीं करता ग्लव्स के बगैर, और कैप लगी होती है, और साफ सफाई का हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। हमारे को अपने कस्टमर और पूरे जितने भी लोग हमारे यहाँ पे आने जाने सबकी सेहत का पूरा हम ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। और ये पिछले 5 सालों से आप लोग देख ही रहे हैं हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन होती है उसी के हिसाब से हम लोग काम करते हैं, उससे बाहर नहीं जाते। धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थी एस्टुडे की सूरज स्ट्रीट की रिपोर्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से इन्होंने चॉकलेट्स जो हैं डेकोरेट करी हुई हैं बहुत सुंदर तरीके से जो है। देखिए यहाँ पे गणपति जी जो हैं वो भी विराजमान हैं, और साथ में चॉकलेट्स हैं, बच्चे जो हैं बहुत पसंद करेंगे। ये देखिए आपने किस तरह से इन्होंने डेकोरेट की हुई हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अलग यूनिक सा इन्होंने जो डेकोरेशन है वो की हुई है। तो दर्शकों हमारे साथ यहाँ पे सूरत स्ट्रीट की जो है मैनेजर मिस प्रियंका शर्मा जो है वो मौजूद हैं। हम उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं कि किस तरह से जो है दिवाली पे तैयारियाँ चली हुई हैं। नमस्कार मैम, और सूरत स्ट्रीट के सभी गेस्टों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और दिवाली पे हमने प्रिकॉशंस का ज़्यादा बहुत सावधानी बरती है कि किसी भी चीज़ पे और किसी भी उस पे मतलब बाय हैंड वो विदाउट ग्लव्स हम काम ना करें, और जो सूखी आइटम्स है ज़्यादा यूज़ करने के लिए रखी हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स की ट्रे बनाई है, चॉकलेट्स वगैरह, और ये लंबे समय तक यूज़ होने वाली चीज़ें बनाई हमने। तो दर्शकों अब हम पहुँच चुके हैं सूरज स्ट्रीट की शॉप नंबर 3 पे, जो कि बिल्कुल माल रोड के बीचों बीच है। यहाँ पे जो है लोगों की बहुत ज़्यादा आवाजाही जो है वो लगी रहती है। आप देख सकते हैं लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गर्मा गर्म जलेबियाँ जो हैं वो भी बन रही हैं, और यहाँ पे किस तरह से जो है ग्लव्स डाल के काम किया जा रहा है। पूरा सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है, और उसके अनुसार ही जो है ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्मा गर्म टिक्की बन रही है, एक साइड टिक्की बन रही है, एक साइड समोसे बन रहे हैं। बहुत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस का उनका पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। आप आइए हम आपको ले चलते हैं थोड़ा अंदर, और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो है दिवाली पे इन्होंने तैयारियां की हुई हैं। आइए आप देख सकते हैं यहाँ पे हर प्रकार की जो है मिठाई इन्होंने रखी हुई है, और कितने टाइम तक वो आप यूज़ कर सकते हैं वो पूरा लिखा हुआ है। 2 दिन तक चलने वाली जो है उन पे 2 दिन लिखा हुआ है, और जो सेम डे की है उन पे सेम डे लिखा हुआ है। और ज़्यादातर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जो ड्राई फ्रूट से जो बनने वाली मिठाइयाँ हैं और जो लंबे टाइम तक चलेंगी ये सिर्फ वो जो है वो ज़्यादा बनाई गई हैं यहाँ पे। दर्शकों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो है ड्राई फ्रूट से जो आइटम्स बनती हैं वो ज़्यादा इन्होंने ऐड की हुई है, क्योंकि वो जो है वो ज़्यादा दिन तक चल सकती हैं, इसलिए ज़्यादा उन्हीं चीज़ों को बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से जो है डेकोरेट किया हुआ है। ड्राई फ्रूट्स हैं इनमें प्लेट्स में, और चॉकलेट्स जो हैं वो रखी हुई हैं साथ में, इनको जो है बहुत अच्छे तरीके से देखिए आपने किस तरह से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं देखने में। तो आप देख सकते हैं इस तरफ बच्चों का जो सेक्शन है, मतलब बच्चों का सेक्शन आ गया, जैसे चॉकलेट्स आ गई, केक पेस्ट्री जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है वो जो है यहाँ पे रखी हुई है इन्होंने। केक्स जो है वो भी बहुत सुंदर सुंदर जो है
डेकोरेट किए हुए हैं और साथ में जो नीचे पेस्ट्री है वो भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया है, बहुत सुंदर लग रही है देखने में। बच्चे जो हैं बहुत पसंद करते हैं चॉकलेट्स, पेस्ट्री जो हैं बहुत पसंद करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे जो है इन्होंने बेस्ट बिफोर टू डेज स्टोर इन कूल ड्राई प्लेस लिखा हुआ है, मतलब दो दिनों तक चलने वाली है ये। थोड़ा आगे आ जाइए आप, यहाँ पे देख सकते हैं कि रस मलाई और स्पंजी रसगुल्ला रखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है कि कंज्यूम सेम डे, मतलब सिर्फ एक दिन के लिए जो है ये चल सकती हैं। तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश जो है आपको खाने को मिलेंगी यहाँ पे ये। तो आई होप कि आपने देख लिया होगा कि सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसके अनुसार जो है हर प्रकार से इन्होंने एहतियात बरतते हुए मिठाइयों को बनाया है। और जैसे सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस थी कि जो मिठाइयों की एक्सपायरी जो कितने दिन तक चलेंगी उसका पूरा ब्यौरा जो है वो ग्राहकों को पता होना चाहिए कि किस प्रकार जो है ये मिठाई कितने टाइम तक चल सकती है, उस बारे में पूरा इन्होंने बताया हुआ है। तो आई होप कि यहाँ पे आप जरूर आएंगे और अपना एक्सपीरियंस आपका कैसा होगा वो जरूर बताएंगे हमें। तो ये थी एस टुडे की न्यूज़, मैं हूँ दीपिका, कैमरामैन राजकुमार के साथ, एस टुडे न्यूज़ चैनल हमीरपुर।